सचिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई बाबा जी के गायत्री मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। इस मंत्र के जाप से कोई भी मनुष्य ब्रह्मा जी की कृपा पा सकता है। ईश्वर तक पहुंचने और मन की शांति के लिए गायत्री मंत्र का जाप श्रेष्ठ और सरल उपाय माना गया है। आइए अब हम सब मिलकर 11 बार श्री साई गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद उसके हम अर्थ के बारे में जानेंगे। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तनो साई प्रचोदयात्। के गायत्री मंत्र के अर्थ के बारे में जानते हैं। हमारे साईं बाबा ने कहा था कि वे शिरडी में हैं। हम उनके ब्रह्म स्वरूप को अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारे चारों ओर और हमारे भीतर उनकी सर्वज्ञ चेतना है। हम उस पर अपना मन लगाते हैं और इस प्रकार हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम वरदान मुक्ति, जिसे अन्यथा मोक्ष कहा जाता है, हम प्यार से इसे हमारे साईं के साथ एक हो जाना कहते हैं। ओम साईं राम।